यार आज है 25 मार्च और आरसीबी का दूसरा मैच। बड़ा ही इंतज़ार रहता है आरसीबी के मैच का कि यार काश आरसीबी का स्टार्टिंग से ही जीत की शुरुआत हो जाए। और आरसीबी में पॉइंट्स टेबल पे नंबर वन पे दिखनी चाहिए। अपना बेस्ट प्लेयर विराट कोहली हमेशा जो चाहता है कि इस टीम को ऊपर लेके जाए। इवन विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में भी बड़ी कोशिश की कि रॉयल चैलेंजर्स को ट्रॉफी जिता दी जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हो जाता है, एंड मोमेंट पे आके आरसीबी हार जाती है। ऐसा ही हुआ उस दिन पहले मैच में सीएसके के खिलाफ भी। फाफ डुप्लेसी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो स्टार्टिंग में जो जो स्टार्ट दिया था आरसीबी को फाफ डुप्लेसी ने और विराट कोहली ने, तो ऐसा लग रहा था कि स्कोर 190 और 200 के प्लस जाएगा। लेकिन अचानक से ही पता नहीं क्या हो जाता है, उसके बाद कहानी बन जाती है, कहानी पूरी चेंज हो जाती है। फाफ डुप्लेसी के जाते ही सारे प्लेयर्स एकदम से तू चल में आया, तू चल में आया। ग्लेन मैक्सवेल जीरो पे आउट हो जाते हैं। अगर पूरी टीम परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो कैसे आरसीबी जीतेगी? कहीं ना कहीं बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं आरसीबी की टीम से, आरसीबी की बैटिंग परफॉर्मेंस में। जो आरसीबी की बॉलिंग है वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं लास्ट मोमेंट में आके, जिससे आके कि आरसीबी मैच हार जाती है। उस दिन विराट कोहली ने भी और फाफ डुप्लेसी ने भी यही कहा आफ्टर मैच कि 15 से 20 रन हमारे कम थे, जिसकी वजह से शायद हमें स्ट्रगल करना पड़ा। अगर 20-25 या 15-20 रन और होते तो हमें इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, ये मैच हम जीत जाते। कहीं ना कहीं देखो हर मैच में कोई ना कोई गलतियां तो हो ही जाती हैं और हर टीम से होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि आरसीबी की किस्मत खराब है। इतने साल विराट कोहली ने कैप्टेंसी की, उसमें कप नहीं आया, 4 बार इवन फाइनल में जाकर टीम हार चुकी है, इतना क्लोज जाके हार जाती है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। या अगर आप लोग देखें कि आरसीबी की इतनी फैन फॉलोइंग है, ये विराट कोहली खुद कह चुके हैं कि अगर फैन फॉलोइंग के ऊपर हो तो हर साल आरसीबी कप जीते, हर साल ट्रॉफी आरसीबी के हाथ में हो। जितनी आरसीबी की फैन फॉलोइंग है और इतने कट्टर फैन है आरसीबी के, किसी भी हालात में कोई भी सिचुएशन हो आरसीबी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ते हैं, आरसीबी को नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, किसी भी टीम के खिलाफ मैच हो, आरसीबी को नहीं छोड़ते। अब तो इवन तरस आने लग गया है यार विराट कोहली के उस फेस को लेकर, जो लास्ट में जब टीम हार रही होती है ना, वो विराट कोहली का फेस कैमरामैन उसी पर फोकस करता है, और वो जो विराट कोहली खड़े होते हैं ना फेस लटका के, इस तरह से कि कुछ बोल भी नहीं सकते, अपना पूरा बेस्ट देते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर देते हैं विराट कोहली जितना कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी और बेटर एक प्लेयर कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद भी बॉलर्स का काम बचता है जो उन्हें करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एंड मोमेंट पे आके वो चीज़ फिसल जाती है और विराट कोहली और पूरी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की मायूस हो जाती है। लेकिन खैर दोस्तों, जो हुआ उसको छोड़ो, पिछले सीएसके का मैच जो था वो था, वो पहला मैच था। बहुत माइंडेड आदमी उसमें खेलता है महेंद्र सिंह धोनी, जिसकी जो सबकी चाल फिरकियों को जानता है, किसको कैसे आउट करना है, किसको। इवन देखो स्टार्टिंग से कितना अच्छा स्कोर चल रहा था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि सारे विकेट तू चल में आया, तू चल में आया, इस तरह से गिर गए। खैर आज है दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ, तो देखते हैं आज कैसा आरसीबी का परफॉर्मेंस रहता है। और सपोर्ट करते रहिए आप लोग आरसीबी को, इंशाल्लाह ज़रूर इस बार जीतेगी। वुमेन्स टीम ट्रॉफी लेके आई है तो मेन्स टीम भी ज़रूर ट्रॉफी लेके आएगी, और हमेशा की तरह फुल सपोर्ट के साथ रहिए आरसीबी के साथ और विराट कोहली के साथ, तो ज़रूर ट्रॉफी आ जाएगी। चलिए देखते हैं आज के मैच में क्या होता है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कमेंट ज़रूर करें।